हेलो एवरीवन वेलकम टू सी एस आया नेट पाठशाला इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्जम सूल के बारे में और ये जो टॉपिक है वो हमने लिया है इकोलॉजी यूनिट से टॉपिक में जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे इनलाइट करना चाहती हूँ पहली बात तो ये कि ये जो चैनल मैंने बनाया है दैट इज़ सी एस आई आट पाठशाला दैट इज़ इन हिंदी वो मैंने मतलब खास तौर पे आप लोग की रिक्वेस्ट पे ही बनाया है क्योंकि क्या हो रहा था जो मेरा दूसरा चैनल है दैट इज़ टीचिंग पाठशाला उस पर जो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी वो दोनों अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स से आ रही थी कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि हाँ उन्हें सारी वीडियोज़ इंग्लिश में चाहिए कुछ स्टूडेंट का कहना है कि उनको वीडियो जो है वो हिंदी में चाहिए और कुछ स्टूडेंट जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहते हैं तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा था ऑल मैंने स्टार्टिंग में कोशिश की कि मैं सिंगल सिंगल पर्टिकुलर वीडियो में ही हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ लेकिन हो ये रहा था कि वो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जा रही थी अगर मैंने पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट किया है कि मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लूँगी लेकिन दोनों लैंग्वेज को यूज़ करने के कारण जो वीडियोज़ है वो काफ़ी लंबी हो जा रही थी क्योंकि मुझे सेम चीज या सेम कंसेप्ट जो है वो दोनों लैंग्वेज में एट द सेम टाइम मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा था तो वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही थी जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म नहीं हो रही थी ओके बहुत एक ही वीडियो के मुझे बहुत सारे पार्ट बनाने पड़ रहे थे तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि इससे बेटर है मैं एक चैनल एक और क्रिएट कर लूँ जो कि जिसमें कि मैं क्या करूँ सारी की सारी वीडियो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी में अपलोड करूँ तो इससे क्या होगा कि आप लोग को भी सिलेक्शन करने में हेल्प मिलेगी तो अगर कोई जो स्टूडेंट वीडियो को हिंदी में देख रहे हैं और उनका जो लाइक like, पेपर जो वो देते हैं अगर वो हिंदी मीडियम में ही दे रहे हैं दैट इज़ टोटली फाइन लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि हिंदी में चीज़ों को समझना पसंद करते हो लेकिन आप जो पेपर का मीडियम है दैट इज़ लाइक आप किस मीडियम में एग्जाम देते हो अगर आप ऐसा इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते हो तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी वीडियो यहाँ पे दैट इज सी एस आई नेट पाठशाला पे आप हिंदी में सुनते हो सेम टू तो सेम वही वीडियो आप टीचिंग पाठशाला पर एक बार इंग्लिश में भी कंसिडर uh, कीजिए क्योंकि इससे होगा क्या क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होगा आपको कोई वहाँ पे हिंदी में चीज़ों को समझाने वाला नहीं होगा तो अगर आपको जो आप अगर आपको चीज़ों को समझना है तो आप हिंदी में समझ लीजिए लेकिन एक बार इंग्लिश वाले वीडियोज़ भी पक्का सुनिए इससे क्या होगा आपको आ, समझ में आएगा कि आपको जो ओवरऑल लैंग्वेज मिलेगा क्वेश्चन कुछ, में उसको डी कैसे करना है क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपकी हेल्प कर दे रही हूँ एक लाइन को पढ़ के आपको समझाने में लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि आपको खुद पढ़ना है और खुद आपको उस क्वेश्चन को डी करना है यानी उस क्वेश्चन को समझना है तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को हिंदी में सुनोगे तो वो क्या होगा वो आपको कंसेप्ट तो दे देंगी लेकिन क्वेश्चन को डी कैसे करना यानी क्वेश्चन को पढ़ के उनको समझना कैसे है उस उस चीज़ का आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा तो जो भी मैं वीडियो यहाँ पे हिंदी में अपलोड करती हूँ सेम टू सेम वही वीडियो टीचिंग पाठशाला पे इंग्लिश में भी अपलोड होती है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये चीज़ें कह रही हूँ या आप जो वीडियो यहाँ पे हिंदी में देखते हो उसे एक बार इंग्लिश में भी टीचिंग पाठशाला पे देख लीजिए इससे क्या होगा आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन को डी कैसे करना है या फिर पर्टिकुलर लाइन जो मैंशन की गई है या फिर कुछ पैराग्राफ मैंशन किया गया है तो उसका मतलब कैसे निकालना होता है अगर एक रियल फैक्ट की बात करूँ तो मुझे भी कोई कोई टॉपिक जो है वो हिंदी में समझना पसंद है ठीक है स्पेशली वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे हिंदी में या फिर शॉर्ट शॉर्ट तरीके से हिंदी में समझा दे, उसके बाद मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड वीडियो जो कि मुझे मतलब डेप्थ के डेप्थ या फिर कंसेप्ट में लेके जाएगा उस वीडियो को मैं देखूंगी तो मैं चाहती हूँ कि हिंदी लाइक मैं कोई भी वीडियो हिंदी में सुनना तब पसंद करती हूँ जब मेरा कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता ताकि एटलीस्ट मुझे मेरे मदर टंग, टंग में वो चीज़ों को सुन के समझ के मुझे आइडिया मिल जाए उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड जो उसका कंसेप्ट है उसमें मूव ऑन कर पाऊँ ओके okay. तो ये ये तो टोटली मतलब ये कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है कि आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है कोई भी लैंग्वेज प्रेफरेंस हो सकता है ऑब्वियसली लाइक like जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा मदर टंग हिंदी है तो मैं भी चीज़ों को हिंदी इंग्लिश दोनों में सुनना पसंद करती हूँ लेकिन बात आ जाती है कि आप किस मीडियम में एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हो अगर आप इंग्लिश मीडियम से भर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत हैबिचुएटेड होना पड़ेगा कि इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ के उसको डी कैसे करना है उसको समझना कैसे है एक लाइन लिखी गई है और आजकल आपको पता है कि सी एस आई नेट जो अपना पेपर मतलब एग्ज़ाम में आपको जो पेपर मिल रहा है उसका लैंग्वेज जो है वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो अगर आप कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को डी करना नहीं जानते हो डी करने का मतलब हुआ उस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से सिंपल मीनिंग निकालना नहीं जानते हो तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे तो ये सारी चीज़ें मेंशन करने के पीछे मेरा एक ही इंटेंशन था कि मैं आपको सही वे में गाइड कर पाऊँ आप यहाँ पे इंग्लिश हिंदी uh, की वीडियो सुनिए आप अपना कंसेप्ट डेवलप कीजिए लेकिन एक बार इंग्लिश के भी वीडियोस पक्का सुनिए ताकि आपको आइडिया मिले आपको मालूम पड़े कि हाँ जब पेपर में ऐसी ऐसी चीज़ें मेंशन की जाएंगी तो उसका मतलब कैसे निकालना है तो सी एस आई नेट पाठशाला पर आपको मेनली जो वीडियोज़ मिलेंगी मैक्सिमम टाइम वो हिंदी में ही होंगी और जो टीचिंग पाठशाला पे आपको वीडियो मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिमांड वो हिंदी इंग्लिश दोनों में वैरी हो सकती हैं ऑडियंस की बात करें कि ये टॉपिक किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है तो सी एस आई आर के स्टूडेंट गेट बी एस सी एम एस सी और वो स्टूडेंट जो कि अलग अलग कॉलेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक ये टॉपिक जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है इसके अलावा ये टॉपिक हमने लिया है इकोलॉजी यूनिट से जो कि सी एस आई आर के सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा और ये जो टॉपिक है वो मेनली आता है अडेप्टशन इन एनिमल्स यानी एनिमल्स किस किस टाइप के अडेप्टन करते हैं यानी कैसे कैसी चेंजेस वो अपनी बॉडी में लाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें एक पर्टिकुलर कंडीशन में उसका पार्ट है ये बर्जमेंस रूल तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अडप्टशन अडेप्टन है क्या तो देखिए अडप्टेसन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण क्या होता है कि आप किसी भी हार्श कंडीशन में खुद को सर्वाइव करने के लिए मतलब रेडी कर पाते हो एग्ज़ाम्पल के लिए ले लें जैसे कि आप आ, हम मैमल्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पेशली ह्यूमन बींग्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस लेकिन हमने ख़ुद को ऐसे अडॉप्ट किया है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि चाहे कितनी भी गर्मी हो या फिर कितनी भी ठंडी हो हम खुद को सर्वाइव लाइक खुद के सर्वाइवल स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल हो जाते हैं यानी हम जिंदा रह पाते हैं ऐसे हार्स कंडीशन में भी क्योंकि जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है हम तब भी खुद को ठीक ठाक रखने में सक्सेसफुल हो पाते हैं और इनफैक्ट जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है दैट इज़ मोर देन फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तो भी हम खुद को आ, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हेल्दी रखने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो इसे हम बोलते हैं एडप्टेसन एक ऐसा एडप्टशन जो कि हमारी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़ में हेल्प कर रहा है उसे हम कहेंगे एडेप्टन बट इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं कुछ एनिमल्स के एडेप्टन के बारे में लेकिन अगर सिंपलेस्ट वे में अडेप्टन का मतलब समझा जाए तो वही है जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया तो अगर अडेप्टन की बात की जाए तो अलग अलग कंडीशन में अडेप्टन हो सकता है लेकिन ये जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ बर्जमेन्स रूल उसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो मेन फैक्टर है जिसके कारण एडेप्टन हो रहा है तो टॉपिक क्या है all the animals are broadly classified into two category based on the process by which they maintain their body temperature yani animals kis way mein khud ki body temperature ko maintain rakhte hain uske basis pe animals ko do category mein divide kiya gaya hai okay तो ये दो category है first है warm blooded animals और दूसरा है cold blooded animals. Warm blooded को हम homeothermic animals भी कहते हैं और cold blooded को हम poikilothermic animals भी कहते हैं अब अगर बात आती है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं तो देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो कि अपनी बॉडी का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ओके okay, वो किसी इन्वामेंटल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते हैं ऐसा नहीं है कि हाँ बाहर ठंडी है तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर ले या फिर बाहर ज़्यादा गर्मी है तब तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर ले ये जो फिनमिना होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में नहीं देखा जाता यानी बाहर ठंडी हो या गर्मी हो टेम्परेचर चाहे माइनस टू डिग्री हो या टेम्परेचर प्लस फोर्टी फाइव डिग्री हो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स की बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मैक्सिमम टाइम इन अ हेल्दी कंडीशन जो 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 टेम्परेचर होता है उनका वो होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस अब चाहे आप ठंडी के दिन में ठंडी के मौसम में हो या फिर गर्मी के मौसम में हो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा मेंटेन रहता है अगर आप हेल्दी कंडीशन में हैं तो ओके जब आपको किसी भी टाइप का लाइक हेल्थ प्रॉब्लम होता है तभी वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है जिस केस में आपको फीवर होता है तो वो केस हम यहाँ पर नहीं बात कर उस केस के बारे में हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल कंडीशन में यानी एक हेल्दी बॉडी की इसके अलावा जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो है बर्ड्स और मैमल्स मैमल्स पर मैंने आपको ह्यूमन बींग्स का दे दिया एग्जाम्पल और बर्ड्स भी जो हैं वो भी वार्म ब्लडेड माने जाते हैं दूसरा कैटेगरी है यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का जिसको हम पॉइकिलोथोमिक्स भी कहते हैं तो ये जो एनिमल हैं वो वार्म ब्लडेड के पूरा अपोजिट होते हैं क्योंकि ये अपनी बॉडी का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेनटेन नहीं रख पाते हैं अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इनकी बॉडी में भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है इसीलिए हम इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स तो इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपको मिल जाएंगे देखने को दैट इज़ मेनली दी एम्फीबियंस जो कि पानी में रहते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल मैंशन किए हैं दैट इज रेप्टाइल्स फिशेज एंड एम्फीबियंस तो हमने वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का जो कंसेप्ट है वो समझ लिया अब बात करते हैं दो और टर्म्स की जो कि है एंडोथम्स और एक्टोथर्म्स तो एंडोथर्म्स क्या होते हैं और एक्टोथर्म्स क्या होते हैं तो पहले बात करते हैं एंडोथर्म के बारे में सो द एनिमल प्रोड्यूस सफिशियंट मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन हाई बॉडी टेम्परेचर यानी एंडोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो कि अपने मेटाबॉ मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उनकी बॉडी के अंदर उस एक्टिविटी से वो हीट जनरेट करते हैं और उसी हीट से वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेनटेन रखते हैं यानी वो सेल्फ सफिशियंट हैं कि वो हीट खुद प्रोड्यूस कर सके उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है इसलिए उन्हें हम बोलते हैं एंडोथम्स और कभी कभी एंडोथोम्स के लिए जो दूसरा वर्ड यूज होता है वो होता है होम्योथोम्स और दी होम्योथर्मिक तो आप एंडो एंडोथम्स uh, को किसी किसी कंडीशन में होम्योथोम्स भी कह सकते हैं दूसरी बात आती है एक्टोथम्प्स की कि एक्टोथर्मिक एनिमल्स कौन से होते हैं तो ये वो एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इन्वायमेंट से गेन करते हैं क्योंकि ये उन हीट को या लाइक इनके में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है तो ये खुद जो है वो हीट जनरेट नहीं कर सकते हैं इसीलिए इन्हें हीट के लिए इन्वामेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है और इन्हें हम बोलते हैं एक्टोथम्स तो एक्टोथम्स के लिए जो टर्म कभी कभी हम यूज़ करते हैं अलग अलग कंडीशन में वो होता है पॉइकिलोथोमिक्स तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कभी कभी हम एक्टोथर्म्स को पॉइकुलोथम्स भी कह सकते हैं तो आगे जो हम कंसेप्ट कंसेप्ट uh, के बारे में बात करने वाले हैं वो है एंडोथर्म्स के बारे में तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भी हम आगे रूल के बारे में बात करेंगे चाहे वो बोजमन रूल हो चाहे वो एलिन रूल हो वो जो है वो सिर्फ एंडोथर्म्स पे ही अप्लाई होता है यानी ऐसे एनिमल जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है सम हाउ कांस्टेंट रखते हैं और वो खुद सफिशियंट हैं कि वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हीट uh, जनरेट करके बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे मेनटेन कर सकें मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब वही हो गया आपकी बॉडी के अंदर कुछ फॉर्म हो रहा है कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है तो इन सब चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म जिसमें कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों का दोनों इन्वॉल्व है तो जब भी कोई चीज़ें बनती हैं या फिर टूटती हैं उनसे क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है और वही हीट जो ये एंडोथॉमिक एनिमल्स होते हैं वही हीट वो लेके अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे वो मेनटेन रखते हैं तो ये हो गई सारी की सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन जो कि काफ़ी बेसिक था अब हम बात करते हैं मेन कंसेप्ट के बारे में जो जिसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है तो टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर इज़ साइज़ डिपेंडेंट यानी टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो साइज़ पे डिपेंड करता है यानी एनिमल अगर हम यहाँ पे एनिमल की बात करें तो एनिमल का जो साइज़ होगा बॉडी साइज़ होगा उसके ऊपर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो मतलब डिसाइडेड है तो पहले हम बात करते हैं स्मॉल एनिमल की यानी जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं उनके बारे में तो देख लेते हैं पहले क्या लिखा गया है तो स्मॉल एनिमल के लिए लिखा गया है कि दे यूज टू हैव अ मोर सरफेस एरिया एंड लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू जनरेट हीट सो स्मॉल एनिमल्स इन कोल्ड लूज हीट मोर रैपिडली देन अ लार्जर एनिमल एंड दे यूज टू हैव लार्ज सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो दैन अ लार्जर एनिमल्स तो कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका सर्फेस एरिया क्या होता है काफ़ी ज़्यादा होता है सर्फेस एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि उनका वॉल्यूम काफ़ी छोटा है अगर हम सर्फेस एरिया और वॉल्यूम के रेशियो की बात करें तो आपको लाइक मैथ्स में एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो अगर न्यूमरेटर में कोई वैल्यू बहुत बड़ी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है तो जब हम उन दोनों को डिवीजन की प्रॉपर्टी में डालते हैं तो जो हमें ओवरऑल वैल्यू मिलती है वो बहुत ही छोटी मिलती है यानी न्यूमिनेटर अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो हमें जो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी उनकी रेशियो की वो होगी काफ़ी बड़ी ओके तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर में सर्फेस एरिया रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा वॉल्यूम तो अगर स्मॉल एनिमल है तो इनका सर्फेस एरिया काफ़ी बड़ा है जिससे कारण इनका वॉल्यूम बहुत छोटा है तो सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो क्या मिलेगा हमें काफ़ी बड़ा मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ छोटा है यानी डिनोमिनेटर छोटा है तो ये हो गई सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के कंसेप्ट यानी स्मॉल एनिमल का क्या होता है सर्फेस एरिया काफ़ी लार्ज होता है वॉल्यूम छोटा होता है जिससे कारण हमें सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनमें जो मेटा लाइक दे आर वेरी लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब कि उनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है इसलिए वो सफिशेंट अमाउंट में हीट जो है वो जनरेट नहीं कर पाते हैं जिसके कारण माना जाता है कि स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्डर क्लाइमेट में फिट नहीं है ओके दे आर नॉट मेड फॉर कोल्डर क्लाइमेट वो समहाउ जो छोटे एनिमल्स हैं उनका जो रहने का एक सूटेबल जगह है वो कोल्डर क्लाइमेट नहीं हो सकता है क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया आप देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा है सरफेस एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि जो भी हीट बॉडी में आ रही है या जनरेट हो रही है एक तो पहले ही वो लोग बहुत ही लो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते हैं और अगर वो हीट भी बॉडी से लूज लॉस्ट हो जा रही है वो भी तब जब वो कोल्डर क्लाइमेट में है तो ऑब्वियसली वो जिंदा कैसे रहेंगे आपको पता है कि कोल्डर क्लाइमेट में रहने के लिए आपको जो हीट है वो बॉडी में रिटेन करके रखनी पड़ती है यानी जमा करके रखनी पड़ती है लेकिन अगर आप वो हीट इन्वॉर्मेंट में लूज़ कर देंगे तो आप कभी भी कोल्डर क्लाइमेट में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं तो वही चीज़ अप्लाई होती है स्मॉल एनिमल्स के साथ इसलिए बोला जाता है कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो कोल्डर एरिया के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसके कारण क्या होता है कि इनकी बॉडी से हीट जो है वो तुरंत लॉस्ट हो जाती है एक तो इनकी बॉडी में हीट वैसे ही बहुत कम रिटेन करती है और जितनी भी रहती है वो तुरंत लॉस्ट हो जाती है क्योंकि इनकी जो ओवर over, ओवरऑल इनका सर्फेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो ये तो हो गई बात स्मॉल एनिमल्स के बारे में दूसरा कंसेप्ट आता है लार्ज एनिमल्स के बारे में तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है स्मॉल दे यूज टू हैव अ स्माल सर्फेस एरिया एंड कूल डाउन स्लोली इन कोल्ड क्लाइमेट सो दार्जर एनिमल्स हैव अ लोअर सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो दैन अ स्मॉलर एनिमल्स तो जो लार्जर साइज एनिमल है उनके साथ पूरा कंसेप्ट जो है वो रिवर्स हो जाता है लार्जर साइज एनिमल को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी कम होता है लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है इसी कारण वो क्या कर वो क्या होते हैं उनको हम लार्ज एनिमल कंसीडर करते हैं क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो अगर सर्फेस एरिया स्मॉल है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो हमें सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा क्योंकि न्यूमरेटर वैल्यू जो है न्यूमरेटर वैल्यू में क्या जा रहा था सरफेस एरिया और डिनोमिनेटर वैल्यू में जा रहा था वॉल्यूम तो यहाँ पे न्यूमरेटर वैल्यू छोटी हो गई और डिनोमिनेटर वैल्यू क्या हो गई बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो ओवरऑल जो हमें हमें रेशियो मिलेगा वो मिलेगा स्मॉलर वैल्यू ओके तो इसीलिए बोला जाता है कि जो लार्जर एनिमल होते हैं उनका जो सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो काफ़ी छोटा होता है अब ये तो बात हो गई सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के बारे में दूसरा मेन कंसेप्ट है कि जो स्मॉल स्मॉलर एनिमल लाइक सॉरी जो लार्जर एनिमल हैं उनका स्मॉल सर्फेस एरिया होता है इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल सर्फेस एरिया होने के कारण क्या होगा हीट लॉस जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी ज़्यादा हीट लॉस नहीं होगी एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होगी जिसके कारण क्या होगा कि ये एनिमल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो खुद की बॉडी में रिटेन कर पाएंगे यानी खुद की बॉडी में जमा करके रख पाएंगे ओके और बॉडी में हीट जमा करके रखने की वजह से क्या होगा कि वो कोल्डर क्लाइमेट में खुद को सर्वाइव करने में पॉसिबल हो पाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी में हीट है और ठंडी के टाइम में क्या होता है बॉडी में हीट रिटेन करने की ही ज़रूरत होती है अगर आपकी बॉडी ठंडी के मौसम में ठंडी होती जाएगी तो ऑब्वियसली आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे वही कंसेप्ट अप्लाई होता है एनिमल्स के साथ तो जो लार्जर एनिमल हैं दे आर बेस्ट फिट फॉर दी कोल्डर क्लाइमेट तो इसीलिए जितने भी हम बड़े बड़े जानवर देखते हैं एग्जाम्पल हो गया आपका पोलर बियर तो वो कहाँ पाया जाता है ओवियसली उनका उसका नाम ही है पोलर बियर यानी वो पोलर रीजन में पाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और आपको पता है कि वो कितने ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में ओके okay? तो इसीलिए लार्जर साइज जो एनिमल हैं दे आर बेस्ट फिटेड फॉर द कोल्डर क्लाइमेट वो ठंडी के लिए ही बेस्ट फिट होते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है जिसके कारण जो हीट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में लॉस होता है इसलिए मैक्सिमम हीट जो है वो उनकी बॉडी में ही रिटेन होके रह जाता है और अगर स्मॉलर एनिमल की बात करें तो उनकी उनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज्यादा बड़ा होता है जिसके कारण क्या होता है कि वो हीट जो है वो तुरंत लॉस कर देते हैं और इसके कारण वो कोल्डर क्लाइमेट के लिए एक सूटेबल एनिमल नहीं है तो यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन में आपको मेंशन किया गया है मतलब मेंशन किया है कि ये जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो जो है उसका ओवरऑल कंसेप्ट क्या है ओके okay? तो यहाँ मेंशन किया है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज़ वाइटल इन सो मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस

तभी आप क्या तभी आप क्या करोगे कि आप बॉडी से जो है वो हीट लूज़ कर पाओगे क्योंकि डेजर्ट एरिया यानी गर्म इलाका है ठीक है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो हीट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी इसलिए वहाँ पे हीट लूज़ करना बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है गर्म इलाके में अगर आप हीट को बॉडी में रिटेन करके रखोगे तो क्या आप ज़िंदा रह पाओगे वहाँ पर नहीं तो गर्मी के इलाकों में क्या होता है कि आपको बॉडी से हीट लूज़ करने की ज़रूरत होती है और ठंडी के इलाकों में जो हीट होती है उसको बॉडी में कलेक्ट uh, करने की रिक्वायरमेंट होती है तो अगर आप डेजर्ट एरिया में रह रहे हो या फिर कोई भी एनिमल जो कि आपको डेजर्ट एरिया का लाइक रेसिडेंशियल एनिमल लगता है यानी वो वहीं पे पाया जाता है तो आप देखोगे कि उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है और उससे हम लाइक like, उससे हम नॉर्मली बोलेंगे कि दे आर स्मॉल एनिमल्स और उनका सर्फेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा ओके okay? तभी वो क्या होगा हीट को लॉस कर पाएंगे और हीट लॉस होगा तभी वो खुद को उस जो मतलब आपका वार्मर क्लाइमेट है उसमें वो खुद को जिंदा रख पाएंगे और अगर बात करें कि अगर ऐसा एनिमल जो कि कोल्डर रीजन में रह रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होगा यानी वो लार्जर एनिमल होगा उससे कारण क्या है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी स्मॉल होगा जिससे कारण जो हीट लॉस है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा यानी वो मैक्सिमम हीट क्या कर रहा है खुद की बॉडी में कलेक्ट करके रख रहा है तभी वो इतने ठंडी के इलाकों में भी जिंदा रह पा रहा है तो ये है ओवरऑल कंसेप्ट जो कि है साइज़ डिपेंडेंट कि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन या टेम्परेचर का अफेक्ट जो है वो बॉडी साइज़ पे कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं सी एस आई एनेट में इसी कन्सेप्ट से आते हैं या तो आपको मास बोल दिया जाएगा या तो आपको बोल दिया जाएगा साइज़ या फिर आपको रेशियो दे दिया जाएगा कि हाँ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये है अब बताओ वो एनिमल कहाँ के लिए फिट होगा या इस ओवरऑल प्रिंसिपल का नाम क्या है तो ये सारा जो कन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए इस स्लाइड में मैंने सारी चीज़ें जो भी डिस्कस की है उसे समराइज़ किया है कि अगर वार्मर एरिया है तो वहाँ जो आपको एनिमल मिलेंगे वो मिलेंगे स्मॉलर एनिमल्स उनका सरफेस एरिया लार्ज होगा जिसके कारण क्या होगा कि उनका वॉल्यूम जो है वो स्मॉल होगा इसीलिए सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो आपको मिलेगा हाई और इनके में जो हीट लॉस्ट का जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है वो होगा फास्टर और दैट इज़ वाई दे विल बी सूटेबल फॉर दी हॉट हॉट और दी वार्मर क्लाइमेट और अगर कोल्ड एरिया की बात करें तो यहाँ के आपको जो मैक्सिमम एनिमल है वो आपको लार्ज साइज के मिलेंगे ओके okay. जिससे कारण क्या होगा कि इनका सर्फेस एरिया स्मॉल होगा और वॉल्यूम काफ़ी लार्ज होगा इसीलिए हमें जो सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मिलेगा वो काफ़ी छोटा मिलेगा सो so, इसी कारण क्या होगा कि इनके अंदर जो हीट लॉस है वो होगा स्लो क्योंकि इनका सर्फेस एरिया काफ़ी छोटा है और इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो जो ओवरऑल एनिमल है वो क्या है दे आर सुटेबल फॉर दी कोल्डर क्लाइमेट तो इस वीडियो में हमने पूरा बेसिक समझ लिया ओवरऑल लाइक like, किस किस टाइप के अडेप्टशन होते हैं क्या क्या टाइप मतलब क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं टेम्परेचर कैसे कैसे वैरी होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल बोजमेंट स्टूल के बारे में बात करेंगे ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है आपको बेसिक समझाते समझाते ही तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बोजमन स्टूल क्या है बट ऑल दो हमने मोरलेस एटी परसेंट बोजमेंट स्टूल कंप्लीट कर लिया है क्योंकि हमने कंसेप्ट गेन कर लिया है तो बोर्जमेंस रूल को लाइक उसके साथ डील करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मैक्स टू मैक्स जो है वो आपको आठ से दस मिनट का टाइम लगेगा तो सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि मेन जो बर्जमेंस रूल है उसका क्या क्या कंडीशन है और कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो